जान अब लबों पर बरछी न खेचना बोले पदर से अकबर बरछी न खेचना बाबा नजर को फेर लो दम टूटने लगा बरछी के फल से खून है दिल का रुका हुआ उबलेगा खून जमीन पर बरछी न खेचना बोले पदर से अकबर बरछी न खेचना सांसें उखड़ रही हैं तो मध्यम है नब्ज भी करते हो आह हमको है ताकीद सब्र की कहते हो थाम के जिगर बरछी न खेचना बोले पदर अरे मैंने तुम्हें बुलाया था ताकि मैं कह सकूं बिल्कुल न गम करो मेरे दिल को है अब सुकून बैठे रहो यहां मगर बरछी न खेचना बोले पदर से अकबर बरछी न खेचना मौला ने जा वली कहा दिल को संभाल कर फिर खुद ही लड़ खड़ा गए बरछी निकाल कर कहता रहा जवां पिसर बरछी न खेचना रेहान सात बरछी के दिल भी निकल पड़ा पढ़ते रहे हुसैन भी तादीर मरसिया अरे माँ कहती आई नंगे सर बरछी न खेचना मजा खाना सजा कर देखना
मजा खाना सजा कर देखना, और अंबिया को देखना चाहो अगर, अंबिया को देखना चाहो अगर, हल्का-ए मातम में आकर देखना, तुम मजा खाना सजा कर देखना। सलावत पढ़ लीजिए। जहरा की दुआ मिल जाएगी, परचमे गाजी उठा कर देखना, तुम मजा खाना सजा कर देखना, अपनी किस्मत आजमा कर देखना, जा कर देखना। और वो तो फिर मौला अली है हश्र में, वो तो फिर मौला अली है हश्र में, मर्तबा कंबर का आकर देखना, मर्तबा कंबर का सजा कर देखना। और खुशबूए रूमाल जहरा चाहिए, खुशबूए रूमाल जहरा चाहिए, अश्क मजलिस में बहा कर देखना, तुम मजा खाना सजा कर देखना, अपनी किस्मत आजमा कर देखना, तुम मजा खाना सजा कर देखना। और आग लगती है धुआं उठता नहीं, आग लगती है धुआं उठता नहीं, मुनकिरों का दिल जला कर देखना, तुम मजा खाना सजा कर देखना। पंजे तन मेहमान खुद होंगे जकी, पंजे तन मेहमान खुद होंगे जकी, फर्श मजलिस का बिछा कर देखना, तुम मजा खाना सजा कर देखना, अपनी किस्मत आजमा कर देखना, तुम मजा खाना सजा कर देखना। والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك المجدد الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على शर के अंदर
जो इसका सवाब है, जो इस मजलिस की खूबसूरती है, वो वाकई हम यानी इस तरह से कहेंगे कि आकाश हमारी सारी की सारी जिंदगी अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के फजाए, उनके अवामे, उनकी सीरत, कुरान की आयात को सुनते गुजर जाती कि हमने एक लम्हा क्यों अपनी जिंदगी का जाया किया। हमारे साथ होता है कि मौका भी मिलता है लेकिन फिर भी लोग जो है वो शिरकत नहीं करते। हकीकत यह है कि जब आप उनके अवामिर के हवाले से, आप उनके अकवाल के हवाले से बात करते हैं तो वो एक अक्सीर है। अक्सीर समझते हैं आप? अक्सीर यानी इंग्लिश के अंदर उसे एक लफ्ज इस्तेमाल होता है वो अलेक्सिस के हवाले से, यानी हो सकता है प्रोनाउंसिएशन इस वक्त सही तरह से नहीं आ रही, लेकिन कीमियाई के अंदर एक चीज है एलेक्सर, कहते हैं कि जो फिलोसोफर स्टोन से ये भी कहा जाता है कि कीमियाई के अंदर इन केमिस्ट्री दे सेड दैट देयर इज समथिंग, देयर इज अ सब्सटेंस व्हिच एक्चुअली इफ यू वर टू टच डर्ट इट बिकम्स गोल्ड, दैट इट चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ समथिंग व्हिच इज नॉट प्रेशियस इनटू समथिंग व्हिच इज प्रेशियस। एक चीज जो कि जिसकी कोई कीमत नहीं है, मट्टी की कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो अक्सीर अगर मट्टी को रख दे तो उस अक्सीर की वजह से मट्टी सोना हो जाती है। तो हकीकत में उनकी मोहब्बत, उनके फजाइल, उनके अहकाम, उनके अकवाल वो अक्सीर हैं कि जो हम जैसी नाचीज को इतना कीमती बना देते हैं कि मलाइका चाहते हैं कि उस मजलिस के अंदर शिरकत करें, या आइमा मासूमीन चाहते हैं कि वो उस मजलिस के अंदर शिरकत करें। यानी लेकिन अगर हम नाचीज आए और नाचीज ही चले गए तो फिर उस मजलिस का कोई तकद्दुस नहीं है। तकद्दुस उस वक्त यह है कि जब इंसान आए और उनकी मोहब्बत में, उनकी इताअत में, उनकी मार्फत में जैसे पहले आया था वैसा नहीं, बल्कि एक अनमोल हीरा बनकर जो है वो मजलिस से जाए। हीरा क्यों इतना कीमती है? क्योंकि कम पाया जाता है। सोना क्यों इतना कीमती है? क्योंकि कम पाया जाता है। सही, जितनी चीज कम पाई जाए उतनी वो ज्यादा कीमती होती है, उसकी ज्यादा कदर होती है। तो हकीकत यह है कि अगर हमें कीमती बनना है तो हमें मुनफरिद होना पड़ेगा। अगर आप जैसे मेरे जैसे बहुत सारे मिल जाते हैं हमारे दर्जे पे, जिस हम दर्जे पे हैं उस तरह के बहुत सारे और ऐसे लोग आपको उस दर्जे पे मिल जाते हैं तो हम कोई कीमती चीज नहीं है। कीमती हीरा तो मकदार बना, कितने लोग हैं उस जैसे हुए, हमारे यासिर बना, हजरत सलमान फारसी बना, हजरत जवाहर रहमतुल्लाह से ज्यादा सच्चा इंसान आसमान के नीचे नहीं। किसने कहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज अगर 700 मिलियन शिया है तो बहुत बड़ी मिकदार है, 700 मिलियन कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत ज्यादा है। आया 750 मिलियन हीरा है, आया पसन जैसे लोग हैं जैसे मैं हूं उस तरह से बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो मैं हीरा उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक वाकई मेरे से ज्यादा सच्चा इंसान आपको ना मिले, जब तक मेरे से ज्यादा इबादत गुजार आपको ना मिले, जब से मेरे से ज्यादा मार्फत रखने वाला आपको ना मिले। अगर मीडियोक्रेसी हम चाह रहे हैं तो जैसे ठीक है बस आए चले गए, तो उसके अंदर हम कोई अनमोल हीरा, कोई यूनिक चीज, कोई प्रेशर चीज नहीं। और ये एक नेमत का ज़िया है, जिसके पास अक्सीर हो, जिसके पास हो
और वो उसको इस्तेमाल ना करे तो नेमत का ज्यान है। तो दर हकीकत में आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम हमारे लिए उनकी मोहब्बत उनकी इताअत वो चीज है जो कि हमारी मलका को हमारी आदात को हमारे नफ्स को हमारी रूह को तमाम के तमाम वो चीजें जो बुरी हैं इस वक्त उनको बदल सकती। जो शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को उसको ये ना पता हो कि दीन क्या कहता है, यानी जब हम इमाम के हवाले से बात करते हैं हम कहते हैं कि फिकह जाफरी है, इमाम जाफर से हमारी फिकह की निस्बत दी जाती है। हालांकि तमाम के तमाम जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं सब के सब उनकी बिगिनिंग उन्हीं स्टूडेंट्स में से हुई जिनको इमाम ने पढ़ाया। तो फिर अगर इस तरह से आप देखें तो पूरे इस्लाम के अंदर जो फिकह है दर हकीकत में उसका जो बिगिनिंग पॉइंट है वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है। अब वो अगर कोई अपने आप को हम्बली कहता है शाफी कहता है जो भी कहता है लेकिन शुरू उधर से। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी इस वक्त आपके पास है उनको यानी आप कोई किसी भी किस्म का साइंस अगर सोच सकते हैं उसका चश्मा जो है वो वहीं पे जाके खुलता है। तमाम के तमाम जो आपके पास कंप्यूटर है ये लगा हुआ है जो जितनी भी आपके पास टेक्नोलॉजी है सब के सब उधर जाते हैं। यानी जितने भी फलसफा है इल्मे कलाम है इल्मे हदीस है फिका है तफसीर है बाकी के जितने भी साइंसेज हैं सब के सब उधर से सरचश्मा है उनका वहां से निकले। अतः जो हाउसा है इस वक्त वो भी इमाम का बनाया हुआ है। हम तो ये कहते हैं ना कि इमाम के 4000 या 6000 का नंबर है फिक्र इमाम के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। जो शख्स हाउसों में जाता है वो किसका स्टूडेंट है। भाई जिसने उस इंस्टीट्यूशन को कायम किया है जिसने उस इंस्टीट्यूशन में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं वो सिखाई इनमें हदीस किसने सिखाया इनमें कलाम किसने सिखाया फिक किसने सिखाई तफसीर किसने सिखाई ये सब की सब की जो चीजें हैं वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने सिखाई हैं। और जो शख्स उस हाउस में जाके पढ़ता है उन्हीं की तालीमात को हासिल करता है तो इवेंचुअली इन द चेन ऑफ ऑल द टीचर्स वो गांव में जाके खत्म होती है वहीं पे जाके खत्म होती है। तो जो अभी आपके पास 700 मिलियन शियाज हैं अगर उनके पास अकायद हैं ना कि कर्ज अकायद ना कि गलत अकायद अगर उनके पास सही अकायद हैं अगर उनके पास सही फिका है अगर उनके पास सही अखलाक की तालीमात है तो सबके सब सर चश्मा कहां पे जाता है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पर। हकीकत तो ये है लेकिन अगर हम नस्बत देना शुरू कर दें ऐसी चीजों को जो कि हो सकते हैं हम भी कभी ना करें हम भी अपने बच्चों को ना सिखाएं अगर इस तरह की चीजों की नस्बत हम अपने मजहब से देंगे तो हकीकत फिर क्या है कि हम ये नस्बत किसकी तरफ दे रहे हैं कहां से सब चीजें निकली हालांकि ये नस्बत गलत है। मतलब जो शख्स इस वक्त अलम को सिजदा कर रहा है जो अलम को सिजदा कर रहे हैं और उनसे पूछे भाई आपका मजहब क्या है फिकह जाफरी हम शिया हैं तो ये नस्बत किसकी तरफ जा रही है। अगर कर्ज अकायद है अगर सही अकायद नहीं है तो ये नस्बत माजल्ला ये तो ही ना जाती। हमारे जो आमाल हैं हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि हमारे हर अमल की नस्बत आमा मासूमीन हम सबके पास जाती है।
इमाम के जमाने के अंदर एक शख्स था, उसके पास ज़ाहिर कि इमाम के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने हजारों अहादीस जो है वो इमाम से सीखी थी। बल्कि लोग आते थे, कहते थे कि हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं, हम आपसे मुनाजरा, यानी वी वांट टू हैव अ डिबेट विद यू। एंड इमाम वुड से ओके, यू कैन हैव अ डिबेट विद दिस स्टूडेंट ऑफ माइन, इफ यू विन फ्रॉम हिम यू वन फ्रॉम मी। आप अकायद में मुनाजरा करना चाहते हैं, ये हमारा स्टूडेंट है इसे आप मुनाजरा करें, अगर आप इनसे जीत जाते हैं तो आप हमसे जीत गए। यहां पे अब क्या है, यहां पे पूरे इस्लाम की इज्जत, पूरे इस्लाम की इज्जत किसके कंधों पे है, इमाम के उस शागिर्द की कंधों पर। इमाम को कितना यकीन है कि वो कह रहे हैं कि अगर तुम इससे जीत जाओगे तो इसका मतलब तुम मुझसे जीत गए, यानी मैं जो कि इमाम मासूम हूं, जिसके पास इल्म लदुनी है, जिसको खुदा ने मंसूब किया है, जो कि हुज्जत खुदा है, अगर तुम इससे जीत गए तो मुझसे जीत गए। फिका के अंदर, अकायद के अंदर, अखलाक के अंदर, यानी कोई भी सब्जेक्ट जब कोई अगर आके कहता था तो हम कहते थे इससे आप मुबाशा करें। आज हमारे साथ अगर कोई मुनासा करना चाहे, इन लोगों ने हजारों अहादीस जो है इमाम से सीखी थी। अब ये शख्स जो था उसके पास इल्म था, तो इमाम उससे पूछते, उसे कहते हैं कि तुम हमारे जो शिया हैं उनको क्यों नहीं समझाते कि वो गलत काम करते हैं, उनकी निस्बत उनके गलत कामों की हमारी तरफ दी जाती है। ये देखो छठे इमाम का शिया, देखो क्या कर रहा है, तो तुम क्यों नहीं उन्हें समझाते कि ये काम ना करो, क्योंकि ये निस्बत हम पे आती है। तो वो इमाम से कहते हैं कि इमाम मैं तो उनको समझाता हूं लेकिन वो समझते नहीं। तो इमाम ने उनसे कहा कि अगर वो नहीं समझते, आपकी बात से नहीं वो रुकते, फिर आप उनके मजालिस को तर्क कर, आप उनके साथ उठना बैठना तर्क कर दें, क्योंकि जब लोग आपको उनके साथ उठता बैठता देखते हैं तो ये उन लोगों की ताईद होती है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप उनके साथ अपने रवाबित को खत्म कर दें, ताकि लोगों को पता लगे कि इन लोगों की हमारे साथ कोई निस्बत नहीं है। बहुत सारे जो हमारे दरमियान में आजकल अकायद राइज हो गए हैं, अगर देखा जाए वो वाकयन हमारे मजहब की तोहीन है, और खुदा ना करे कि उनमें से उस वो कज अकायद जो है वो हमारे दरमियान में पाए जाए। हम मुख्तलिफ मनासिब के अंदर जो है इन बातों को सुनते हैं कि वहां पे कुर्सी रखी हुई है और कुर्सी पे कहते हैं कि इमाम आते हैं, उसके सामने फल फ्रूट रखे होते हैं और उस कुर्सी पे कोई बैठ नहीं सकता, और आपने मजलिसें हो रही हैं जिन्नों की मजलिस, तो वहां पे बस जिन आते हैं और वो मजलिस करते हैं, और वो अजीब नमक रखा जाता है और नमक के अंदर फिर तस्वीरें आती हैं, और क्या कुछ आपने काफी कुछ सुनते होंगे आप, ऐसी चीजें आप सुनने में आती होंगी आपको। अब इसमें मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता, आपको शायद ये ज्यादा मालूम हो बनिस्बत मेरे, इसकी निस्बत किसको जा रही है। अब आज जो मुसलमान काम करते हैं उसकी निस्बत किसको जाती है, इस्लाम को। आप लाख दफा कहें करोड़ दफा कहें लोगों से कि वो लोग जिन्होंने फॉर एग्जांपल 9/11 जो हुआ, वो लोग जिन्होंने वो किया हम उनके साथ हमारा कोई रब्ता नहीं, हम उनके अकायद से जो है वो डिसएग्री करते हैं, हम उनकी इन हरकत से डिसएग्री करते हैं। जो लोग ये तशद्दुद कर रहे हैं इन लोगों के अकायद से हम डिसएग्री करते हैं, ये हमारे में से नहीं है। कहते हैं भी ये क्या बात, वो भी मुसलमान है, आप भी मुसलमान। या इससे हटके आपको मिसाल दी जाए, आप काम पे जाते हैं, एक खातून आगे हाथ बढ़ाती है, आप कहते हैं कि
due to your respect, I'm not able to shake your hand. तो आगे से वो खातून कहती है, but Muhammad just did. He's a Muslim, you're a Muslim. So what is the difference? उसने तुम्हें हाथ मिला लिया, आप हाथ नहीं मिला रहे, ये क्या बात है? या आप कहते हैं कि मुझे जो है वो नमाज पढ़नी, आप नमाज ही कुछ, मैंने तो पहले ही आपको मुसलमान देखा जो नमाज पढ़ रहा है, यहाँ पे तो सारे हैं, वो तो कोई नहीं पढ़ते. या मैं उस टेबल पे नहीं बैठ सकता या बैठ सकती जहाँ पे शराब पी जा रही हो, क्योंकि वहां पे तो ये सब मोहम्मद फातिमा जाफर ये सब लोग तो बैठते हैं, आप क्यों नहीं बैठ सकते? अब उन लोगों की निस्बत इस्लाम की तरफ गई, और हम अगर चाहते भी हैं कि उन अहकाम के ऊपर अमल करें, हमारे लिए अब एक मुश्किल पैदा होती. यानी कोई हमारा अमल ऐसा नहीं है जिस आप ही ऐसे करते हैं. देखो उसका बेटा कैसा, देखो उसकी बीवी कैसी, देखो उसका भाई कैसा. अब भाई का अपना एक्शन है, उसका कोई ताल्लुक उस शख्स के साथ नहीं, लेकिन क्योंकि निस्बत है कि ये भाई है उसका, ब्लेम उसको जाता है. इसी तरह से हमारे जो आमाल हैं, अगर हमारे आमाल बुरे हैं, उसकी निस्बत हमारे मजहब को जाती है. आपको बताई हुई ये बात दोबारा बता देते हैं, क्योंकि इसी मिसाल के अंदर एक और मिसाल है, और फिर जिस बात पे हमें आज बात करनी है वो इंसान की खिलकत का मकसद है. और ये जो दुनिया के हवाले से हम बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि जी मैं तो दुनियादार हूँ, आप तो माशाल्लाह दीनदार हैं, मैं तो दुनियादार हूँ, इसके ऊपर थोड़ी सी इंशाल्लाह बात करेंगे हदीस के हवाले से और कुरान के की निगाह से. सवाल करेंगे जैसे अभी चले मिसाल दे रहे हैं, मिसाल तो आपने सुनी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाती है कि यहाँ पे हम सब भाई जमा हुए हैं मजलिस के लिए, हमारे दरमियान में कोई इख्तलाफ होता है, ऊंच नीच हो जाती है, और किसी का गला पकड़ लेता है, कोई गिरेबान पकड़ लेता है, और हाथापाई की नौबत आ जाती है, और क्या होता है पुलिस को बुला लेना. अब पुलिस जब आती है तो कहती है आप लोग क्यों आए थे इधर कम्युनिटी सेंटर में, क्यों आए थे? हम उनको बताते हैं हम यहाँ इबादत करने आए थे, हम वो नूर निकालने के लिए आए थे जिससे कि मलाइका देख के आते हैं, हम वो मजलिस बर्पा करने आए थे कि जिसके लिए हसरत रखते हैं इमाम मासूमीन की, वो उसके अंदर शिरकत करें. ये फिर लड़ाई की, ये जो लड़ाई झगड़ा है वो अगर हमारे उस लड़ाई झगड़े की निस्बत किसकी तरफ जाएगी, हमारे मजहब की तरफ जाएगी, और वो एक तोहीन होगी. इस्लाम के नूर को हमें वाजिब है कि अपनी जान से भी अगर कुर्बान करके बचाना पड़े तो वाजिब है कि हम अपनी जान को कुर्बान कर दें, लेकिन इस्लाम के ऊपर कोई उंगली नहीं कोई उठा सके, ये हर एक मुसलमान के ऊपर वाजिब है. और अगर वो अपने आमाल की वजह से इस्लाम पर उंगली उठाई जाती है तो रोजे महशर में उससे पूछा जाएगा, वो 100 बार कहे कि जी वो तो मेरा इंडिविजुअल एक्शन था, वो तो मेरा पर्सनल एक्शन था. कोई एक्शन पर्सनल नहीं होता, ये बात जान दे, कोई एक्शन पर्सनल नहीं होता. उलमा कहते हैं कि अगर आपने बंद दरवाजे के अंदर कोई अमल किया वो हमेशा बाहर आएगा. क्यों? क्योंकि पहले वो अमल नहीं था, अब वो अमल इस कायनात में आ गया. पहले वो नहीं था, अब जो कि आ गया है तो वो अब एक्शन और री एक्शन के एक कड़ी का हिस्सा बन गया. और जब ये एक इस कड़ी का हिस्सा बन गया, 1000 साल के बाद, 500 साल के बाद, 2 दिनों के बाद, या 10,000 साल के बाद वो बाहर आएगा. कोई काम आपका पर्सनल काम नहीं है, हर काम में आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे काम की वजह से कहीं पर इस्लाम को कोई चोट तो नहीं आ रही. औरत कहती है मैं हिजाब नहीं पहनूंगी, मेरा पर्सनल चॉइस है, ये डिवाइन राइट है, ये खुदा का हक है कि आप हिजाब पहने, ये खुदा का हक है.
और अगर आपने हिजाब नहीं पहना तो आपने खुदा के हक को अदा नहीं किया, और अगर पहना है तो आपने खुदा के हक को अदा किया। पर्सनल, दिस इज माय पर्सनल बिजनेस, देयर इज नो सच थिंग एज योर पर्सनल बिजनेस। वी लिव इन अ टाइम वेयर नथिंग इज पर्सनल एनी मोर। Whatever that you're going to do, eventually is going to come out in public. There's nothing personal anymore. Privacy laws have khatam ho chuke hain. Aapki har phone conversation record hoti hai, har email record hoti hai, har ek cheez ke bare mein sabko pata. Maslan, un logon ko pata jo pata karna chahte hain. Ye nahi keh sakte, this is my personal choice and I'm going to do this. No, this is not your personal choice. You could have had a personal choice if you were not a Muslim. But now you don't have a personal choice. You only have one choice. And that is the choice of Allah subhanahu wa ta'ala. Aap koi personal choice nahi rahi. Aap sirf ek choice hai. Aur woh hai ki khuda kya kehta hai. Kyunki jab aap kehte hain ki main musalman hoon, yani I submit to the will of Allah. Aap kisi aur ki will pe submit nahi kar sakte. You can only submit to the will of Allah, not anyone else's. अगर मुसलमान बन गए तो पर्सनल चॉइस क्या नहीं रही। अगर रखना चाहते हैं तो अता दूसरे के मजाहब, दूसरे मजाहब में भी पर्सनल चॉइस नहीं दी जाती। कहते हैं भाई आपकी पर्सनल चॉइस नहीं है, आप क्रिश्चियन बन गए, आपको ये काम करना है। या आप जूश बन गए, जू बन गए तो आपको ये काम करना है। अब आपकी कोई पर्सनल चॉइस नहीं रही। इस कंट्री में आके भी उस पास की तरफ आते हैं कि जो आपसे कहा इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत पे चल के इंसान अपनी खिलकत के मकसद तक पहुंच सकता है, और अगर वो उनकी सीरत पर नहीं चलता तो वो कभी भी अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकता। इस बात को लिख लो, अगर आप इमाम मासूमीन की सीरत पे नहीं चल रहे तो खुदा ने जिस मकसद के लिए आपको यहाँ पे खल्क किया आप उस तक नहीं पहुंच सकते। ये पहला। दूसरा ये कि वो खिलकत का मकसद क्या है। आया मकसद ये है कि हम जॉब करें, खाना खाएं, कपड़ा पहने, घर बार रखें, बच्चे बड़े करें, शादी करें, ये मकसद। यहाँ पे मैं आपको एक इन चीजों का मकसद बताता हूँ, ये थोड़ा सा गौर से सुन लीजिएगा, अगर याद रह गया आपको तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो खाने में जो लज्जत है इसका एक मकसद है। खाने से भी तो हो सकता था कि आप बिरयानी खा रहे हैं कोई टेस्ट नहीं, मिर्च लग आपने खाई कोई टेस्ट नहीं, शायद जबान पे रखा कोई टेस्ट नहीं। जो आपकी सारी सारी जो जितनी भी लज्जात है जरूरी नहीं की, ऐसे भी होते कि नहीं होती, लेकिन खुदा ने ये लज्जतों को रखा है। इसलिए रखा है, लोग कहते हैं हमारे इम्तिहान के लिए, तो बहुत नीचा सा इम्तिहान हो गया, तो बहुत छोटा सा इम्तिहान हो गया। इस इम्तिहान में तो वो शख्स जो कि खुदा पे बिलीव भी नहीं रखता वो भी पास हो जाता। जो बुद्धिस्ट होते हैं उन सारी लज्जतों को तार्क कर देते, वो शख्स जो कि खुदा पे यकीन भी नहीं रखता वो इस इम्तिहान में फिर तो पास हो जाता। कि वो खाना जो है वो मसलन ऐसा खाते हैं कि उसमें कोई इतनी लज्जत नहीं, कपड़ा वगैरह उनका एक होता है, जोड़ा एक है, मकान वो नहीं बनाते, सही, फिर तो ये इस इम्तिहान में तो वो पास हो गए। इम्तिहान होता है ईमान का, इम्तिहान ये लज्जतों का नहीं है। लज्जत है हकीकत में उसका फलसफा ये कि ये एक रिवॉर्ड है। तो जो खाने की लज्जत है ऊंची बोल के देखते हैं, शायद वैसे असर तो फिर भी नहीं होता ऊंची बोले यहाँ से, लेकिन कोशिश करते हैं देखते। सलाम।
खाने की लज्जत है ये आपके लिए इनाम है, खाने की जो लज्जत है ये इनाम है। यानी क्या, यानी अगर ये इनाम ना रखा जाता तो इंसान कोई खाता ही ना, अगर ये इनाम ना रखा जाता तो कोई शख्स ना खाता। अब अगर कोई शख्स ना खाता तो क्या होता, सब मर जाते, कोई भी जिंदा ना रहता। अगर पानी से प्यास ये जो बुझ जाती है ये एक इनाम है, अगर प्यास ना बुझती कोई पानी ना पीता। इसी तरह से बाकी की जो लज्जात है वो सिर्फ इनाम है, और खुदा ने ये इनाम इसलिए रखा है कि आपको जहमत करनी पड़ती है इन चीजों के लिए। खाना फॉर एग्जाम्पल, आपने फॉर एग्जाम्पल मछली पकड़ी, आप उसी तरह से उसको नहीं खा सकते, आपको उसे काटना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, मिर्च मसाला लगाना पड़ेगा, फ्राई करना पड़ेगा, उसके बाद आप खा सकते हैं। जो जानवर है उनके लिए ये नहीं है, जानवरों का जो रिस्क है वो बैठ गया, उसने मछली पकड़ी और उधर ही खा ली, उसे कोई जहमत नहीं करनी। लेकिन इंसान की सेहत के लिए उसे जरूरी है कि वो जहमत करे, उसे पकाए, मिर्च मसाला लगाए और फिर खाए। तो वो जो लज्जत है वो इनाम है, अगर वो लज्जत ना होती तो कोई शख्स खाना खाता ही ना, साथ है। तो ये जो लज्जतें खुदा ने रखी हैं ये इनाम है ताकि आप अपनी जिंदगी को हिफ्ज कर सके। और अगर कोई शख्स इनाम को जो है वो मकसद बना ले, वो क्या करे, मसलन टीचर ने उसको दिया इम्तिहान दिया, उसने उसी इम्तिहान के सारे क्वेश्चंस को चीट करके, दूसरे से कॉपी करके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिख दिए ताकि उसे इनाम मिल जाए। अब इसमें कोई फायदा है, अनपढ़ का वो अनपढ़ रहेगा, वो पढ़ा लिखा कभी भी नहीं बनेगा, उन्हें इनाम मिलते रहे, उनके वॉल पे डिग्रियों की डिग्रियां लगी हुई होंगी, डॉक्टर है सब चीटिंग का डॉक्टर है उस। आजकल तो आप चीटिंग की जरूरत ही नहीं, आप खुद सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं किसी भी साइंस का, आप चाहें तो आपको डिग्री बनी बनाई मिल जाती है। इस बनी बनाई डिग्री इनाम होती है। इस बनी बनाई डिग्री का क्या फायदा है, फायदा नहीं है, सही। तो ये जो लज्जतें हैं इसकी अपनी एक जगह है, ये इनाम है खुदा की तरफ से हमारे लिए, और इन लज्जतों को इस्तफादा करने का कोई मुश्किल काम यानी कोई मसला नहीं है, आप इनसे इस्तफादा करें, कोई मसला नहीं है इसमें। वे खुदा ने ये आपके लिए इनाम रखा है, वे खिलकत के अंदर इसकी अपनी एक जगह है, लेकिन इसको मकसद नहीं बनाना। जब मकसद ये बन जाए तो ये दुनिया ये जिंदगी लाभ और लाभ बन जाती है, और अगर लाभ और लाभ की जिंदगी के बाद कुछ नहीं, बेशक उसके पास डिग्री है मैं मुसलमान हूं, उसके पास डिग्री है मैं शी हूं, उसके पास डिग्री है मैं मोहब्बत करता हूं, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रोजे माशर में ये डिग्रियां नहीं चलेंगी, क्यों, यहां इस दुनिया में चल जाती है, इस दुनिया में चल जाती है। आप फेक बना सकते हैं ऐसे कि वो कभी यूनिवर्सिटी को पता ही ना लगे, लेकिन आखिरत में नहीं ये चल सकती, सही है। तो इंसान की खिलकत का जो मकसद है, हाँ ये लज्जतें हैं लेकिन ये इम्तिहान भी नहीं है, ये एक इनाम है, और इस इनाम से इस्तफादा करना कोई मुश्किल बात यानी कोई इसके अंदर मसला नहीं है। मसला कहां पे आ जाता है, जब इंसान अपने मकसद को भूलकर क्या करे, उन लज्जतों को अपना मकसद बना, वहां पे मुश्किल। खिलकत का क्या मकसद है, कि आपके पास खुदा की मार्फत आ जाए। अच्छा बाजत रहमतुल्लाह के बारे में सुना हो आपने जी, सुने, आपकी खिलकत का मकसद ये था कि आप अच्छा बाजत रहमतुल्लाह बन जाए, सिर्फ उसका नहीं था, सिर्फ आयतुल्लाह बहजत की जिंदगी का मकसद नहीं था कि वो एक आरिफ बन जाए,
बल्कि ये हम सब की जिंदगी का मकसद है कि वो आरिफ बन के खुदा की मार्फत रखे। उसने दीन क्यों भेजा था? दीन इसलिए भेजा कि आपको जन्नत दे दे। बगैर दीन को भेजे वो आपको जन्नत नहीं दे सकता। उसने तो जन्नत में से निकाला था जबकि कुछ भी नहीं किया था, कोई किसी दीन पे फॉलो किया था, नमाजें पढ़ी थी। अगर उस सिर्फ दीन को वो लाया इसलिए कि आप जन्नत में चले जाएं, इस दीन का यानी क्या फायदा? 124,000 पैगंबरों को लाए, खातिमुल अंबिया जैसी हस्ती को इस दुनिया के ऊपर, उनकी औसिया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती, ये वो इसलिए आए कि आप जन्नत में चले जाएं, कि आपके वो सारे इनाम जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नहीं मिलते वहां पे बड़े अच्छी तरह से मिल जाए। यानी किसी का भी घर छोटा हो ना, वो कहता खैर है जन्नत में बड़ा मिल जाएगा। किसी की बीवी के साथ ना बनती हो कहता खैर है, हस्बैंड के साथ ना बनती हो कहता खैर है, कहती है खैर, बच्चे सही ना निकले कहता खैर है, गाड़ी सही नहीं चल रही कहता खैर है, कपड़े सही नहीं है पहनने को खैर है, तो सब मिल जाएगा। भाई इसलिए 124,000 पैगंबरों को भेजा कि आपके वही जो शहवात हैवानी है, क्योंकि ये आपकी फितरत में नहीं है खाना पीना, आपके अंदर दो चीजें, एक फितरत है और एक तबीयत है, इसको जमा करते हैं और आपकी जहमत तमाम। हालांकि आपने कहा था कि लंबा पढ़ना आपकी रूह को खाने की जरूरत है, आपकी रूह को पीने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। फितरत के अंदर आपको खाना पीना घर बार इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। जो तबीयत है जो कि एक हैवानी उंसर है इंसान के अंदर, क्योंकि वो खुद जमीन से निकला है तो उसकी टेंडेंसी भी जमीन की तरफ है, ये जो तबीयत है इसकी जरूरत है कि आप खाएं पिए तोली दे नस्ल, ये सब चीजें इसकी जरूरत है, ये आपकी रूह की जरूरत नहीं है। तो भाई ये जरूरतें इस दुनिया में पूरी नहीं हुई तो उधर जाके हमारी पूरी हो जाएगी, दिन का ये मकसद, या दिन का ये मकसद कि हम इन सारे शहवात हवानी को जिस तरह से हो सकता है इस्तफादा करें। भी खुदा ने नेमतें रखी हैं, इन नेमतों से इस्तफादा करें, खाएं पिएं और दीन के ऊपर अमल करें, नमाज रोजा हज करें, इस सारे वाजिबात को अदा करें, खा पी कर इन वाजिबात को अदा करके चले जाएं। यानी दीन इसलिए आया था कि आप 24 घंटों में से 17 मिनट्स निकाल लें। 124,000 पैगंबर उसने इसलिए भेजे ताकि आप 17 मिनट्स जो आपके पांच जो आपकी नमाजें हैं, 17 एक मिनट एक रकत, या चले आप अगर बहुत मुत्तकी परहेजगार बंदा तो आधा घंटा, हमारे तकवे का और परहेजगारी का भी मियार यही बन गया, उसने आधा घंटा जो है अपने 24 घंटों में से निकाल लिया, तुझे तीन का मकसद पूरा हो गया। साल में एक दफा वो हज पे चला गया, यानी जिंदगी में एक दफा हज पे चला गया, तीन का मकसद पूरा हो गया। कुरान की उसने कुछ आयात को पढ़ लिया, हिफ्ज कर लिया, तीन का मकसद पूरा हो गया। दाढ़ी उसने रख ली, तीन का मकसद पूरा। खानुम ने हिजाब पहन लिया, तीन का मकसद पूरा हो गया। क्या हिजाब पहनने में क्या मुश्किल होती है? एक पार्चा तो है ना, एक कपड़ा है, उसको सर पे रखा, बांध लिया, दो मिनट नहीं लगते। जो हमारी बहनें पहनती हैं उनको पता है, अलबत्ता वो अगर कुछ उसका डिजाइन निकालने लगे और गोटा और लश्कारे मारते हुए हिजाब, उसमें हो सकता है सेटिंग में थोड़े 5-10 मिनट लग जाए, लेकिन रेगुलर हिजाब 2 मिनट के अंदर। 124,000 पैगंबर भेजे, आयमा मासूमिन जैसी हस्तियां भेजी इस वजह से कि आप 24 घंटे में से 2 मिनट ये काम कर लें। आप किसी भी चीज को अगर दीन के उस फुरू को, उसके अखलाक को, उसके असूल को अगर उठा के देखते हैं जिस अंदाज में हमने उसे देख लिया है, तो ये हद अकल इस्तफादा है उस नेमत से।
और जब हद अक्ल इस्तफादा हो एक नेमत का जो बहुत बड़ी हो तो वो कुफरानी नेमत होती शुक्रानी नेमत नहीं होती। आप का बच्चा आके कहता है कि बाबा मैंने गाड़ी लेनी, लाइसेंस उसे मिल गया, अब वो गाड़ी चाहता है। अगर ठीक है बाबा बेटे कौन सी गाड़ी? जी वो 30-60 हज़ार डॉलर की गाड़ी चाहिए हमें। अच्छा बेटे 30-60 हज़ार, चलो हम कुछ और फाइनेंसिंग क्रेडिट लाइन पड़ी है ये वो और मुसीबत अपने सर पे डेट की ले लेते हैं और चलो जहाँ पे 50 हज़ार डेट में चलो एक और 30-40 हज़ार क्या हो गया, खैर ले लेते हैं गाड़ी। मुझे ये बताओ तुम गाड़ी को लेकर क्या करोगे? बच्चा आगे से जवाब ये दे के बाबा मैं उसका टायर निकाल के उसके साथ सड़क पे खेलूंगा। बचपन में वो साइकिल का टायर लेके वो डंडी से खड़वाना बना के उसको खेलते होते थे। मैं ये करूंगा, आप उसे गाड़ी देंगे? ये ठीक है, ये हद अकल हो सकते है इस गाड़ी के टायर का, एक टायर का ये इस्तेफादा हो सके, ये उससे काम किया जा सके, लेकिन गाड़ी इस मकसद के लिए नहीं बनी। 30,000-60,000 डॉलर जो मैं खर्च रहा हूं इतनी मुसीबत में अपने आप को लेकर आ रहा हूं, गाड़ी इस मकसद के लिए बनी कि आप ए से बी तक जाएं। अब ये हद अकल इस्तफादा उस नेमत से हो रहा है लेकिन ये कुफरानी नेमत है और बाप इस नेमत को बेटे को नहीं देगा। हम अध्यक्ष एक और आपको किसी मौलाना साहब, अच्छा है कि आपने मजलिस जो है वो रख ली, दर्श रख लिया, कम से कम हमारे बच्चे टीवी के आगे तो नहीं बैठे, कम से कम वो कोई मूवीज तो नहीं देख रहे, यानी यही मजलिस है, कम से कम वो टीवी तो नहीं देख रहे, यानी इस मकसद के लिए मजलिस है ये क्या? हाँ उसका एक हो सकता है बेनिफिट ये बन जाए लेकिन उसका एक हद अकल इस्तफादा है, कम से कम उसे ये कुफरानी नेमत है। जी आपने सारे लोगों की इतनी जहमत दी इस चीज को रेंट किया सब कुछ, मुझे कैनेडा से अपने मसन ये कैनेडा कह रहा हूँ ब्रैम्पटन से उठा के यहाँ पे लेकर बच्चों से दूर, क्या करें क्यों? ताकि बच्चे जो है वो 2 घंटे टीवी के आगे यहाँ बैठे, या इसके एक और आपको मिसाल दे दें, इमाम जमान आएंगे क्या होगा? वो आके जो है वो जुल्म जोर को खत्म कर देंगे, अदल और इंसाफ आ गए बस, इतनी सी बात। अदल और इंसाफ आ जाएगा, जुल्म और जोर खत्म हो जाएगा। अदल और इंसाफ एक फितरी चीज है, हर किसी को अदल और इंसाफ पसंद है और जुल्म और जोर से हर किसी को नफरत है, सिर्फ ये काम करने आ रहे हैं। हाँ ये एक उसका पहलू है, या उसे हम कहेंगे वो सब जब्बारीन को जितने भी जाबिर लोग हैं जितने भी टायरेंट्स हैं उनको आगे खात्मा कर देंगे, जुल्फिकार चलेगी गर्दनें उड़ेंगी, ये बस। अगर इस्तफादा हमने इतना ही करना है, खुदा कहते हैं अभी फिर इंतजार करो, अभी फिर तुम और इंतजार करो क्योंकि तुमने अभी इस नेमत की कदर नहीं आई। ये नेमत मैंने भेजी है कि इंसानियत अपने खिलकत के मकसद पे पहुंच जाए, ये इसलिए भेजी है कि हर इंसान आरिफ बन जाए, हर इंसान मेरी मार्फत रखे आरिफ बने, कि जब वो आएंगे उनकी हुकूमत के अंदर सब आरिफ बन जाएंगे, करामात होंगे हमारी, खुदा पे यकीन है मोहकम होगा, खुदा से मोहब्बत होगी, उस खिलकत के मकसद तक हम पहुंच जाएंगे और उनके बगैर इस मकसद तक हम पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, अगर कहेंगे नामुमकिन, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आप देखें इतनी आयत लगवा देते हैं, हालांकि हर एक इंसान की खिलकत का मकसद ये है। और हम अगर मिनिमम दीन से इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी हमारे लिए मुश्किल है,
में कहते हैं असम जी आपकी बातें जो है बहुत मुश्किल है, तो हमें समझ में कोई नहीं आती, हमें तो कल जॉब पे जाना है और जो है वो टाइम भी होने लगा है और बस आप नहीं है, तो बातें समझ में कोई नहीं, बड़ी मुश्किल है, वाकई मुश्किल। किसके लिए मुश्किल है? जिसको शैतान ने गिरवी रख लिया। क्या है जब हम कोई काम हकूकुल्लाह को या हकूकुल्लाह को जाया करते हैं तो हम मकरूज हो जाते हैं। अगर आप अपने डेट को पे नहीं करते तो क्या होता है? आपकी उस चीज को पोजेस कर लिया जाता, रिपोजेस कर लिया जाता, सही है नहीं? अब आपके अख्तियार में वो चीज नहीं रही। जब इंसान खुदा के हकूक को या हकूकुल्लाह को नहीं देता, मकरूज हो जाता है, इस्तिग़फ़ार नहीं करता, तो शैतान उसको गिरवी रख लेता। और जो जो शैतान जिसको गिरवी, खुद उसके नफ्स को गिरवी रख लेता है, अब वो करेगा तो वही जो शैतान के, उसके अंदर फिर चीजें क्या हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती हैं। हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए कि हम अपने नफ्स से हमारा से आजाद हो जाए। वो जिसके हम गिरवी, जिसने हमें गिरवी रख लिया, उससे हम निजात पा जाए। तो खुदा आपको साल में एक महीना देता है जो कि माह रमजान है, इसके अंदर वो कहता है कि वो मालिक जिसने तुम्हें गिरवी रख लिया है, मैं उसको कैद कर देता हूँ और तौबा के दरवाजे खोल देता हूँ, तुम अपने सारे कर्जों को अदा कर दो तो तुम्हें ईद वाले दिन क्या होगा, आजादी मिल जाएगी, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। और जब तुम्हें आजादी मिल जाएगी फिर तुम्हारे लिए दीन पे चलना आसान हो जाएगा। हम ये काम नहीं करते, जो घोड़ बना देती है, यानी वो शख्स जिसको कि जंजीरों में जकड़ा गया था, क्योंकि उसके नफ्स पे, उसके नफ्स से अम्मारा ने उसको कैदी बना लिया था, जिसको उसके वक्त के जमान ने, यानी मुक्तजियात ने, शराइत ने उसे कैदी बना दिया था, कर्बला के अंदर हुसैन ने उसे साथ दे दी। वो आजाद हो गया, उन सारी जंजीरों से आजाद हो गया, उसको कहते हैं होर। अगर कर्बला की मार्फत रखते हुए इंसान की आंखों से आंसू निकले, ये उसकी जंजीरों को तोड़ देते, उसके दिल को नरम कर देते, उसके गुनाहों को माफ करवा देते, उसके दिल को खुदा के नूर के लिए आमादा करते। हमारे पास कर्बला है, यानी जो शख्स हजरत अली असगर के मसाइल को सुनने के बाद भी आजाद ना हो, जो हजरत अली असगर के मुसाहब को सुनने के बाद भी कैदी रहे अपने नफ्स का, आया वो मुसीबत कम नहीं है? आपको भी तसव्वुर करने की कोशिश करें, इमाम हुसैन के दिल पे क्या बीतती होती थी, हजरत अली असगर की माँ के दिल पे क्या बीतती थी जब रोते होते थे। बच्चा रोता है तो बाप का दिल परेशान हो जाता है, और वो कोशिश करता है कि जिस तरह से भी हो, माँ का दिल चाहता है जिस तरह से भी हो, जो चीज वो चाहता है उसको दे दे। तीन दिनों से हजरत अली असगर को प्यास लगी हुई है, माँ बाप उसकी प्यास को नहीं बुझा सकते, भूख लगी हुई है उसकी भूख को नहीं बुझा सकते, होंठ खुश और बल्कि कहते हैं कि जबान पे छा दे, एक छह माह के बच्चे की जबान, छोटी सी जबान, नाजुक जबान, एक बड़े शख्स अगर एक दिन उसे पानी ना मिले उसकी जबान पे छाले पड़ जाते हैं। तीन दिन जब हजरत अली असगर को इमाम हुसैन ने अपने हाथों में उठाया, चेहरा उनके सामने, जब वो लेकर गए हजरत अली असगर को, हजरत अली असगर की जबान जो छोटी सी जबान थी, जो अशकिया थे, जिनके दिल सख्त है, जो
رسول کے اولاد کو ان کی اولاد کو شہید کرنے کے لیے آگے تھے, حضرت علی اصغر کی زبان نے ان کے دلوں کو نرم کرنا شروع کیا. لوگ بدلنے لگے اور ملا سے کہا گیا کہ اس کی زبان کو بند کر. تیر چلا ہے, ماں دیکھ رہی تیر آتا ہے, حضرت علی اصغر کا ننھا سا گلا گردن چت جاتی, گردن چتتی ہے جب شہرہ کٹتی ہے, پہلے خون الگ حضرت علی اصغر کی پیاس بجھ رہی ہے, یہ پیاس بجھی حضرت علی اصغر کی, اور باپ جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے ماں کے پاس, کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے, صرف اس بات کو کہہ رہا تھا کہ انہا للہ و انہا الیہ راجعون, یہ اثر آیا تھا آپ کی طرف سے آپ کے پاس واپس. لدم نے قضا ہی وہ تسلیم نے امر, میں جو آپ کی قضا ہے جو آپ کا حکم ہے میں اس کے اوپر میرا سر تسلیم ہوں. یہ امام حسین آگے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ آگے پیچھے اس لیے جا رہے ہیں کہ اس بچے کو ماں کو کس طرح سے دکھاؤں, میں اس امر پہ تسلیم ہوں, ماں کا دل ہے, لیکن اس ماں کا بھی کیا دل, اس ماں کے دل کا کیا کر جس نے اپنے چھوٹے سے بچے کی لاش کو دیکھ کر خدا کی رضا کے اوپر خدا کے امر کے اوپر اس نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا. ایک دفعہ اپنے شوہر سے نے کہا کہ مصیبت اپنے کے سر سے, اور دونوں نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا, چھوٹی سی قبر کھو دی دونوں نے دفن کیا, وہاں پہ آنسو جو نکلے ہیں امام حسین. آیا یہ بھی کافی نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے اور ہم مجلس عزا کے بعد بھی اپنے نفس کے کہتے رہے, اپنے گناہوں کے کہتے رہے, اپنے خواہشات نفسانی کے کہتے رہے, خدایا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہماری توفیقات میں اضافہ کر دے, ہمیں اپنے دین کے مقصد تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اپنے خلقت کے مقصد تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما, ائمہ معصومین کا دل ہم سے شاد کر دے, مہمان ہم کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے, جس مولا کا ہمیں انتظار ہے جو کہ انسان کو خلقت کے مقصد تک پہنچا سکتے. میں مولا بہت ہو گیا, ہم دیکھتے ہیں جب کو ہمارا دل ساتھ لگتے ہیں ماں بار, ہر شب جمعہ یہ امید رکھ کے سوتے ہیں صبح اٹھیں گے تو امام آئے ہوں گے, ہر عاشورہ کو ہم نگاہیں رکھ کے دیکھ رہے ہوں گے, اتنی دیر ہو گئی میرے مولا امام نہیں آ رہے, ان کو جلد از جلد لے آئے, ہمیں ان کے غلاموں میں سے ان کے انصاروں میں سے شمار کرے, ہمارے مہاراجے کی زندگی میں اضافہ کریں, ان کی ہدایت کے نور ہم تک پہنچتا رہے, انقلاب اسلامی کی حفاظت کریں, یہاں پر معظم کی حفاظت کریں, تو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, مناس ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.